सीधा लिए चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर। वो क्या है ना कि कल जब सारा भांडा फूट गया मनराज और काव्या का, अनुपमा के सामने हकीकत आ गई तो अनुपमा तो शॉक में आ गई। अब अनुपमा शॉक में है तो इस शॉक के आफ्टर इफेक्ट्स दिखने वाले हैं, सिर्फ अनुपमा पर नहीं पूरे घर बार पर। अनुपमा को लगा है 440 वोल्ट का झटका, इसलिए उसने मनराज को भी दे दिया है जोरदार धक्का। पति की बेवफाई का ऐसा असर अनुपमा पर हुआ है कि वो ना सिर्फ बेहोश हुई बल्कि होश में आने के बाद भी और ज्यादा होश गंवा बैठी और कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी कि देखने वाले सच में चिंता में पड़ जाएं और सोचने लग जाएं कि आखिर अनुपमा को ये हुआ क्या है। आई डोंट थिंक कोई भी महिला इस स्टेट में होगी कुछ समझ पाने के जब वो अपने पति को इस पोजीशन में देखती है अपने ही बिस्तर पर, 25 साल जो बिस्तर उन्होंने शेयर किया अपने पति के साथ। सो वो आई थिंक एक औरत जो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या एक औरत जिसने अपने पति को पूरी निष्ठा से प्यार किया है वही समझ पाएगी। एंड मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं अपने पति को एक्चुअल जो अश्विन को अगर मैं कभी ऐसे किसी से फ़ोन पे बात करते हुए भी सुन लूँ तो क्या रिएक्ट करूँगी। बट आई एम शॉक दैट अनुपमा, मुझे तो लगा था कि अनुपमा ये देख के मर ही जाएगी। अभी इस तरह से देखा जा सकता है इसको कि वनराज को खुद नहीं पता कि अब क्या होने वाला है क्योंकि अभी बम फूटा है। बम फूटने के बाद उस ब्लास्ट का उसके ऊपर और उसके आसपास के लोगों पे क्या असर होने वाला है, कितनी बुरी तरह से उनको चोट पहुंचेगी इमोशनली, इसका अभी उसे खुद कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद उन लोगों के रिएक्शंस कैसे होंगे और उसके बाद इसका क्या रिएक्शन होने वाला है ये उसे खुद अभी पता नहीं। वनराज अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए अपने बेटे तोशु के सामने फिर से एक नई स्टोरी बनाकर बयां कर रहा है। वो बेड पे गिर गई और मेरी बैक में तो दर्द था ही, मैं संभाल नहीं पाया, मैं भी उसके ऊपर आया। मगर अनुपमा उसके ख्यालों में आकर उससे सवाल पर सवाल पूछ रही है। क्यों किया? बात वनराज के हाथ से निकल चुकी है और अब क्योंकि ये बात निकल चुकी है हाथ से, अब वो किस तरह से इस सिचुएशन में आगे अपने आप को हैंडल करेगा या कैसे बिहेव करेगा, अनुपमा के साथ कैसे बिहेव करेगा, काव्या के साथ उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये जो है ये अब आपको आगे देखने को मिलेगा। आई थिंक पर्सनली जब आप किसी से इतना ज़्यादा क्लोज होते हो फॉर सच ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो अगर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है रिलेशनशिप में जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो मेरे हिसाब से दो चीज़ें होती है, या तो आप दोनों इतना ज़्यादा दूर हो जाते हो एक दूसरे से कि यू विल नेवर सी ईच अदर्स फेस अगेन, या तो आप इतना ज़्यादा करीब आ जाते हो कि नथिंग कैन सेपरेट यू। तो वनराज और मेरे केस में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो आपको कुछ एपिसोड्स में पता चल जाएगा। तो वनराज का दिमाग तो अब घूमने वाला है, अनुपमा अपना दिमाग ठीक करके बच्चों से और बाकी परिवार वालों से तो नॉर्मल बिहेव करेगी। मगर वनराज के साथ उसका कुछ बर्ताव ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए नवरात्रि के दौरान एक तरफ तो हम देवी माँ की पूजा करते हैं, नारी शक्ति को पूजते हैं, लेकिन बैरिस्टर बाबू में नारी का शक्ति वाला रूप तो पूजा जा ही नहीं रहा, यहाँ पर तो नारी का एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा ताराबाई के कोठे पर जहाँ पर एक अलग ही महफिल जम रही है।
रसिया बाई कर रही है तारा बाई के कोठे पे नच की तैयारी। यूं तो रसिया बाई को आपने कितनी बार डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन आज की बात सबसे अलग है, क्योंकि आज का डांस तारा बाई के कोठे पर सबको याद रहेगा। जी हाँ, बैरिस्टर बाबू का ये गाना इस सीरियल का अब तक का क्लाइमेक्स सॉन्ग है। रसिया बाई किसी मकसद से इस बार ये डांस कर रही है। कोशिश यहाँ पर हो रही है बॉन्दिता और अनिरुद्ध को मिलाने की। अब गाने के बोल भी तो ऐसे ही हैं, घर आजा मोरे परदेसिया। यानी कि यहाँ पर कोई और परदेसिया नहीं बल्कि अनिरुद्ध आएगा। अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की कहानी की, यानी कि शांतनी की। शांतनी जब से इस शो में आई है, ये शो और भी खूबसूरत हो गया है। इतनी खूबसूरती से हर सीन को शांतनी निभाती हैं, और जितनी खूबसूरत वो हैं उतनी ही खूबसूरती से डांस भी करती हैं, अदाएं भी दिखाती हैं। And let me introduce you to the man who shot all the songs with me. He is my choreographer, Amar. Amar, please come. Hello. Thank you. So, जो हमने काम किया है in 40 minutes. हमने जितने भी इनके साथ परफॉर्मेंस किए हैं. In fact, Amar has been with me in most of my shows. Yeah. Right. हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन ये तो हिस्ट्री हो गई भाई. हर एक गाना हम लोगों ने 20 minutes में किया है मैम के साथ. और कोई नहीं, एंड द थिंग इज मोस्टली टेलीविजन पे गाने जो होते हैं वो 1-1.5 मिनट का होता है, right. क्योंकि ये क्लाइमैक्स सॉन्ग था, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3-3.5 मिनट्स। ये गाना कम से कम 10 मिनट जाने वाला है, कम से कम 10 मिनट, क्योंकि हम जिसके लिए अगर हम जल्दी जल्दी भी करें एटलीस्ट 3-4 घंटे चाहिए। देखो ज्यादा तारीफ मत करो, मेरे फेस में ऑलरेडी। अब इस डांस के बाद क्लाइमेक्स क्या होगा, ये देखने का इंतजार तो हमें भी है, क्योंकि तारा बाई एक तरफ, बॉन्दिता अनिरुद्ध और रसिया बाई एक तरफ, इन दोनों की जंग कितनी लंबी चलेगी ये तो भाई अब हम भी नहीं जानते। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी यूं ही नहीं कहा जाता। जी हाँ, माँ के सामने अच्छे अच्छे राक्षस जो है ना वो फेल थे, तो बस अब एक और राक्षस जो है फिर से एंट्री करने जा रहा है छोटे पर्दे पर। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस के दूसरे सीजन की, जिसका प्रोमो शूट हो रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं एक नजारा इस दृश्य का। शादी ऐसी भी, इस शादी में बाराती बनकर आया है देखो ब्रह्म राक्षस। आखिर ब्रह्म राक्षस किसका पीछा करते करते इस शादी तक पहुंच गया है। अब ब्रह्म राक्षस का कालिंदिनी से कोई रिश्ता तो जरूर है, और ये रिश्ता बचपन में ही जुड़ने वाला था ब्रह्म राक्षस के साथ कालिंदिनी का। जो कहानी बरसों पहले पूरी ना हो सकी, उस कहानी को पूरी करने आ गया है ब्रह्म राक्षस, देखो तो जरा। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस नहीं जानता है कि कालिंदी जब छोटी थी तब वो अकेली थी, अब उसके पास अंगद का प्यार है, अंगद का साथ है जो उसे ब्रह्म राक्षस से बचाएगा। इस शादी में चारों ओर खुशियां ही थी, लेकिन खुशियों के बीच बुराई की दस्तक देने जब ब्रह्म राक्षस आया तो हर कोई अफरा तफरी में इधर उधर भागने लग गया। अब ब्रह्म राक्षस जी, आप नहीं जानते हैं कि आपने यहाँ पर आकर अंगद से पंगा ले लिया है। ये अंगद है ना, इस सीरियल का हीरो है और आप विलन, तो आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। इस प्रोमो को देखकर आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस 2 की कहानी क्या होने वाली है। फिलहाल दर्शकों से तो हम यही कहेंगे कि आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए एक और नया सीरियल आ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो नेहा अद्विक महाजन है वो नवरात्र के 9 दिन 9 अलग अलग अभिनेत्रियों को माँ दुर्गा का रूप देकर, नव दुर्गा का रूप देकर सजा रही हैं, सवार रही हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं नायरा बैनर्जी के पास, जिन्होंने काल रात्रि देवी का अवतार लिया है। अवतार लिया है इन द सेंस कि उनका मनचाहा रंग पहना है और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। चलिए देखते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन एक कौन सी टीवी की बहुरानी है जो माता के रंग में रंगने को तैयार है। इन्हें अपनी प्यारी दृष्टि से देखिए और देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तो दिव्य दृष्टि की दिव्या है, जिसके ऊपर आज माता की भक्ति का रंग चढ़ने वाला है। आज की जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जो मेरी देवी हैं, वो है नायरा बैनर्जी। हेलो, सो मैं यहाँ पे हूँ मेरी डार्लिंग फ्रेंड नेहा अद्विक महाजन के साथ टू डू वन ऑफ द नवरात्रि लुक्स, एंड हम लोग अभी फुल स्विंग स्टार्ट करने वाले हैं। Yes. नायरा का रिश्ता नेहा के साथ बहुत पुराना है, क्योंकि दिव्य दृष्टि शो में नायरा बैनर्जी भी तो थी इस सना के साथ, याद है ना आपको, जहाँ पर वो अद्विक की साली बनी थी। तो भाई वहीं से इनका रिश्ता जो जुड़ा सो अब तक जुड़ा हुआ है। आज नेहा बड़े ही प्यार से नायरा को सजाएंगी, सवारेंगी। मेकअप की बात करें तो हमने ग्रीन स्मोकी आइज़ की हैं, बिकॉज आज हम ग्रीन कलर कर रहे हैं नायरा के साथ, तो मैंने आइज़ भी मेकअप को थोड़ा यू नो मतलब मैचिंग रखने की कोशिश की है साड़ी के साथ। आई ना इफ नायरा कैन क्लोज हर आइज़, सी गोल्डन ग्रीन आइज़ है विद लॉट्स ऑफ काजल एंड लॉट्स ऑफ स्मज्ड कोल इन द आइज़, सो दैट यू नो नायरा वैसे भी एक बंगाली हैं तो उनकी आँखें बहुत सुंदर हैं। हरे रंग की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर ज़रा देखिए वो कितनी प्यारी लग रही है। अब नायरा के इस लुक को देखकर आप ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी है और वेस्टर्न भी। नेहा, ये बंगाली माता है या साउथ इंडियन माता है? ये हमारी मॉडर्न माता है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मॉडर्न ट्विस्ट देने की कोशिश की है। जो एक ट्रेडिशनल साड़ी होती है, yeah. मैंने थोड़ा सा एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद नायरा। दिस इज़ माई फर्स्ट शूट विद नायरा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो साड़ी ड्रेप की है, मैंने बहुत ही पतले बॉर्डर की साड़ी ड्रेप की है, सो थोड़ा सा यू नो इंडियन प्लस मॉडर्न का एक मिक्सचर करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक उसमें नायरा बहुत ही सुंदर लग रही है। और अगर ज्वेलरी की बात करें तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा चोकर दिया है, थोड़ा स्टेटमेंट पीस दिया है। तो ये माँ गॉडेस दुर्गा के हमारे काल रात्रि के रूप को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने उसी का एक डिपिक्शन देने की कोशिश की है नायरा पे। और जो कलर ग्रीन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर ऑफ नवरात्रि, बिकॉज ग्रीन रिप्रेजेंट्स आ मदर नेचर हु इज़ वेरी पावरफुल। क्योंकि yes. आपने जैसे देखा अभी 2020 चल रहा है, कोविड है, कैसे यू नो नेचर ने सब कुछ बदल दिया है, तो मतलब ग्रीन कलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर नवरात्रि। एक तरफ नायरा का फोटो शूट हो रहा है तो दूसरी ओर अद्विक भी अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। अब वो क्या है ना, अपनी दोस्त से मिलने आए थे तो सोचा कि चलिए मैं भी फोटो शूट करवा लेता हूँ। नेहा,
नेहा सबकी पिक्चर्स तो करती रहती हैं, अच्छे अच्छे शूट्स करती रहती हैं, तो आज इसी बहाने मैंने कहा कि मैं भी कुछ पिक्चर्स करवा लेता हूँ एंड या एक शूट कर रहे हैं हम। तो भाई माता के सातवें दिन का रंग आपको पता चल गया, अब आठवें दिन माता के कौन से रंग में आपको रंगना है वो भी बताते हैं। रिधिमा पंडित रंगने वाली है पीकॉक रंग में। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। माता रानी आती है और अपने साथ ढेरों खुशियां ले आती है। राम और दुलारी भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। कोयल और दुलारी के बीच लग गई है शर्त, किसमें कितना टैलेंट है, कौन ज्यादा समझदार है, इसी बात को लेकर इनके बीच शर्त लगी है। और जरा कोयल की बात तो सुनिए, कोयल का कहना है कि जो भी शर्त जीतेगा राम जी उसके, जो जीतेगा राम उसके मंजूर है। राम जी तो चक्कर खा गए, उनका कहना है कि अरे भाई ये बात मेरी चल रही है तो कोई मुझसे तो पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। एक सेकेंड, मंजूरी से पहले मेरी भी तो जान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए। अब राम जी आप चिंता मत कीजिए, माता रानी आई हैं तो आपकी और दुलारी की गुहार जरूर सुनेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी दुलारी चुटकी में कोयल को हरा देगी और देखना ये शर्त वही जीतने वाली है। श्री राम सिर्फ सीता जी के थे, सीता जी के हैं और सीता जी के रहेंगे। कितनी भी कोयल क्यों न आ जाए, श्री राम को तो इस सीता की मधुर वाणी ही भाती है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए यूं तो माँ के साथ हमारा जो साथ है ना 9 दिन का होता है, लेकिन कोई है जो टेलीविजन पर आया है साथ निभाने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल साथ निभाना साथिया के दूसरे सीजन की, जहाँ पर एक तरफ तो नवरात्र की धूम है ही, घर वाले खूब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वहीं अकेली रात में न जाने क्यों गहना दौड़ी चली जा रही है। अंधेरी रात में गहना दौड़ रही है सड़क पर, लेकर दवाई हाथ में, और दौड़ते दौड़ते पहले वो एक गुंडे मवाली के सामने जा पहुंची।
वहां से भागकर बीच सड़क पर बेहोश होकर गिरी और वो भी एक गाड़ी के सामने। और दूसरी ओर पारिवारिक जलसा में गोपी बहू गहना की चिंता करने लगी। मुझे भी गहना की बहुत चिंता हो रही है जी। कोकिला जी। मोटा भाभी, क्या लगता है हमें देसाई परिवार को बता देना चाहिए गहना के बारे में? नहीं मोटा भाभी, जलसे के बाद बता देंगे। मगर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि गहना गिरी भी तो अपने हीरो की गाड़ी के आगे ही, यानी कि अनंत की गाड़ी के सामने, और अनंत उसे उठाकर ले आया उसी पार्टी में जहां परिवार वाले जलसा कर रहे थे। जलसा है बापूजी यानी कि प्रफुल्ल भाई और जमुना जी की शादी की सालगिरह का, साथ ही साथ प्रफुल्ल भाई के रिटायरमेंट की पार्टी का, और साथ ही साथ यहाँ प्रफुल्ल भाई यानी कि बापू जी का सम्मान भी हो रहा है। वो बैंक से रिटायर्ड जो हो रहे हैं। इसी पार्टी में गोपी, कोकिला बेन, उर्मी मामी, हेतल भाभी सब शामिल हुए हैं। गहना इसी पार्टी के दौरान अपने बापूजी के लिए दवाई लेने गई थी। परिवार की चिंता करते हुए देखकर गहना ने कुछ लोगों की वाहवाही पाली है, और हाँ कोकिला मोदी से सीख भी पाई है, क्योंकि उसने अपने कान की बालियां खोई थी और वापस उसी ने ढूंढ निकाली। अब बालियां तुमने खोई थी, ढूंढी भी तुमने, तो इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि तुम्हें मैंने जिम्मेदारी सौंपकर कुछ भी गलत नहीं किया। अनंत ने शायद गहना को पहले कभी नहीं देखा था, मगर अब वो हर वक्त गहना के साथ ही रहेगा और उसके साथ हो रहे अन्याय को देखकर उसका हाथ थामेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, दशहरे की छुट्टियां हैं और अगर आप भी वाकई कुछ बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के दूसरे सीजन की। तो कैसा रहा दूसरे सीजन का रिव्यू, कैसा है एक्चुअली ये सीजन, देखना चाहिए या नहीं, आइए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, मिर्जापुर 2 आपके सामने आ चुकी है और इस बात की पूरी गारंटी है कि ये जो सीजन है ये पहले सीजन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो मिर्जापुर 2 के अंदर अब आपको बड़े लेवल की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और जुर्म भी। और सबसे खास बात, ये कहानी सारे समीकरण बदल के रख देगी और आपको ये सिखाएगी कि दो लोगों के बदले की आग में बाकी के जो लोग हैं वो कैसे अपने हाथ सेकते हैं। पंकज त्रिपाठी, देवेंदु शर्मा और अली फजल, ये तीनों ही अपने किरदार के साथ पूरा जस्टिस करते हैं, पूरा इंसाफ करते हैं। और एक बार फिर से पंकज त्रिपाठी ने साबित कर दिया कि एक्टिंग के मामले में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इस सीरीज में जब आप उनको ऑन स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है वो कभी भी स्क्रीन से बाहर आ जाएं, और अगर वो बाहर भी आए तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना मकबूल और मुन्ना आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। तो गुड्डू भैया यानी कि अली फजल वाकई में एक जख्मी शेर है, और उन्हें देख के आपको लगेगा कि सच में ये शेर बहुत खतरनाक है, और कई बार हो सकता है कि आपके दिल में भी बदले की भावना जाग उठे, तो प्लीज़ उसे मत जगाइए, बदला लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात है, अली फजल को इस सीरीज में देखने के बाद आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से अंडररेटेड रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो मुन्ना भैया यानी कि देवेंदु, उनकी जो बंदूक है इस सीज़न में उनकी ज़बान से भी ज़्यादा तेज चलेगी, और यकीन मानिए वो किसी भी सीन में अपने एक्सप्रेशन से कोई भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, ये बात उन्होंने इस सीजन में साबित कर दी है। श्वेता त्रिपाठी, मेघना मलिक, लिलिपुट और विजय वर्मा इस पूरी की पूरी सीरीज, इस पूरी कहानी में चार चांद लगा देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये चीज़ तो पहले सीजन में भी थी, इस सीजन में नया क्या है, लेकिन जैसे ही ये ख्याल आपके दिमाग में आएगा अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जो आपको आपकी कुर्सी से उठने नहीं देगा। जाइए मिर्जापुर 2 देखिए, यकीन मानिए आपका दिल नहीं टूटेगा। हेलो मकबूल जी, मैंने बहुत अच्छा रिव्यू दे दिया है, प्लीज अब तो छोड़ दो, प्लीज, थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।